नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कार्डस मेरिनस के बारे में बताऊंगा और कुछ जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है वो लीवर डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन 4U रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रेडस मेरिनस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लीवर डिसऑर्डर्स के लिए। अगर आपका लीवर ख़राब हो जाता है और कि उसके कारण आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो या सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम होती है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो इन सभी के लिए कैरिडस मेरिनस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। यह पोर्टल बेल हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करती है, उस बीमारी में भी काम आती है और ये उसको भी ठीक करती है। खासकर ये जॉइंटिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर किसी को जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो, हल्का सा बुखार हो रहा हो और मतलब बिल्कुल भी भूख ना लग रही हो, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खाना खाते ही जैसे तुरंत जो है उल्टी हो जाती है, उल्टी जो पूरी ग्रीन कलर की हो, जिसमें ऐसा लगता हो कि पित्त निकल रहा है, तो क्रेडस उस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। साथ साथ ही ये लीवर जहाँ पर रहता है, मतलब अगर लीवर इस एरिया में जैसे रहता है आपका और वहाँ पर कुछ दर्द सा महसूस हो या कोई सूजन की तरह की आपको लगती हो, सूजन महसूस हो, तो उसमें केस में भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये लीवर के जो जूस हैं उनको भी नॉर्मलाइज करता है और साथ ही साथ अगर लीवर में इन्फेक्शन है तो वो उसको भी ये ठीक करता है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कार्डस आपकी जो है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को होती हो, चाहे वो एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जो अल्कोहल पीते हैं मतलब ज़्यादा, या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो, अगर ये प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका लीवर फैटी लीवर हो गया है, तो उस केस में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर अल्कोहलिक फैटी लीवर हो तो क्रेडस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल पीते हैं और बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीत का सेवन करते हैं जिसके कारण आपका लीवर ख़राब हो गया है और कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं जैसे भूख नहीं लग रही है और उल्टी सी लग रही है, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो या पेट बहुत ख़राब हो, ये सारे लीवर के ख़राब होने के लक्षण हैं। जैसे आपको भूख कम लगती हो, उल्टी सी महसूस हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो क्रेडस अगर आप देंगे तो धीरे धीरे आपका लीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल पीना भी बंद कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है। साथ ही साथ अगर आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हैं तब तो ये बहुत ही जल्दी से आपको ठीक कर देता है। साथ ही साथ क्रेडस को लेने से कैलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, कैलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। तो अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको ये जो है क्रेडस मेरिनस कैसे यूज़ करना है। क्रेडस मेरिनस दोस्तों आपको मदर टिंचर में लेना है। क्रेडस मेरिनस क्यू का मतलब होता है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिखते हैं, तो इसका मतलब है मदर टिंचर। तो दोस्तों इसको आपको 20 बूंद लेनी है, इसका मतलब है 3 बार सुबह दोपहर शाम, सुबह को लें दोपहर में लें शाम को लें, 20 बूंद लें, आधा कप पानी लें, गुनगुना पानी लें, उसमें 20 बूंद डालें और इसको यूज़ करें। तो दोस्तों इसके जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं फैटी लीवर के केस में, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो या पोर्टल बेल वेन हाइपरटेंशन हो और जो है आपका फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, जॉइंटिस, खास तौर से पीलिए के केस में, जॉइंटिस के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। कम से कम आपको इसको, जिनको एक्यूट प्रॉब्लम है वो इसको 15-20 दिन तक यूज़ करें, और जिनको ज़्यादा अल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण लीवर की प्रॉब्लम है या लीवर में कुछ दिक्कत है, तो वो इसको 3 से 4 महीने के लिए यूज़ करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों लीवर को ये जो है ठीक करने के लिए, एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लीवर डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। तो इसको आप ज़रूर यूज़ किए, आप SBL में या डॉक्टर एक्वेक में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे अगर जर्मनी की लेते हैं डॉक्टर एक्वेक की। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये लीवर के लिए मेडिसिन थी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।